प्रदेश में बीएड और इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड की सीटें घटने की आशंका। आपको बता दें पीएआर नहीं भरने से प्रदेश में 40,000 सीटें बीएड की प्रभावित हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानधारा हरसोली चैनल। आखिर पीएआर का मामला क्या है, ऐसी कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस वर्ष बीएड प्रवेश के लिए सीटें कम हो सकती हैं, आज विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, प्रदेश में बीएड व इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड में सीटें घटने की आशंका की जो बात चल रही है, उसकी बड़ी वजह है एनसीटीई की पीएआर रिपोर्ट। आपको बता दें पीएआर अर्थात परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, इसको नहीं भरने की वजह से कॉलेजों में सत्र 2022-23 में शून्य सेशन के आदेश भी एनसीटी की तरफ से जारी कर दिए गए। राजस्थान में करीब 400 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने पीएआर रिपोर्ट नहीं भरी है। आखिर ये पीएआर रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में भी आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, ऐसे में प्रत्येक कॉलेज में यदि हम 100 सीटें भी माने तो लगभग 40,000 सीटें इससे प्रभावित होने की आशंका है। वहीं कॉलेज संचालक इसके विरोध में न्यायालय में जा चुके हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फिलहाल एनसीटीई अपने नियमों में कोई भी राहत देती नजर नहीं आ रही है। एनसीटीई से जारी कॉलेजों की सूची के मुताबिक 22-23 इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में स्टूडेंट एडमिशन उन्हीं कॉलेजों को दिया जाएगा जिन्होंने अपनी पीएआर रिपोर्ट भरी है। बिल्कुल स्पष्ट है, जुलाई में पीटीटी है और 1.64 लाख स्टूडेंट ने इंटीग्रेटेड कोर्स में और टोटल लगभग 5.5 लाख विद्यार्थी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन भी कर चुके हैं। हालांकि पीटीटी की सीटें कितनी, इसके बारे में अभी पीटीटी के काउंसलिंग के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा इसको स्पष्ट नहीं किया गया। राज्य सरकार और एनसीटीई के मार्फत कॉलेजों के नाम और सीटें मिलेंगी जिन पर स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, स्टूडेंट की डिग्री पर नए आदेशों का किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ये पीएआर है क्या। एनसीटीई के पोर्टल पर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन भरनी होती है, इसमें कॉलेज की संपूर्ण जानकारी देनी होती है। इसके आधार पर ही कॉलेज की व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है। यह डिटेल एनसीटी की वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। रिपोर्ट में जगह के वेरिफिकेशन रिपोर्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल, भवन उपयोगी रिपोर्ट, जमीन के दस्तावेज, सोसाइटी के दस्तावेज, कॉलेज की वेबसाइट, प्रिंसिपल और स्टाफ की योग्यता, टीचिंग हॉस्टल, कॉलेज में सीट सहित अन्य बहुत सी जानकारियां होती है जो कॉलेजों को भरनी होती है। और इसके लिए 2 अप्रैल की तिथि नियत थी। तब तक लगभग प्रदेश में 400 कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को नहीं भरा। ये पूरा मामला है कि प्रदेश भर में लगभग ऐसी 40,000 सीटें हैं जो प्रभावित हो सकती है। पीटीटी को लेकर प्रत्येक बड़ी अपडेट लगातार आप तक पहुँचते रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजगार और शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक समस्या के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी प्रत्येक समस्या समाधान का हमारे द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है। आज की इस वीडियो में साथ में इतना ही। नमस्कार।